हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर का आज हम चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेसेस जिसके यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम रोक सकते हैं, जो मिलन होता है ओवम और स्पर्म के बीच में इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है बेटा कि जो ओवम है और स्पर्म के मिलन को रोकना ताकि उनका मिक्सिंग ना हो, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो, इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को भी हम बारे में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, जिन्हें कहते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं इनकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इनको आइडियल बनाती हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारी कहते हैं यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली यानी कि जो वुमेन है, जो लेडी है, जो किसी मेथड को यूज़ करती है तो वो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कारण उस लेडी को किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी बात की फिजियोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब है कि उसकी जो फेल्योर जो रेट होती है काफ़ी कम होनी चाहिए और उसके सक्सेस रेट क्या होने सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल होना चाहिए, जब चाहे कोई कपल है इसको यूज़ करना बंद कर दे तो उनकी जो फर्टिलिटी है दोबारा से रिटेन हो जाए और वो क्या है फर्दर क्या है बेबी को बियर कर सके, यानी कि रिवर्सिबल होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कम से कम उसके साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो 6 प्रकार के हमारे मेथड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नेचुरल मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है। सेकेंड हमारा बैरियर मेथड है। थर्ड हमारे पास क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs जिसे कहते हैं हम। चौथा हमारा क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पांचवा हमारे पास क्या है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। छठा हमारे पास क्या है, सर्जिकल मेथड्स हमारे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हमारा नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड की बात करें विदाउट, इसके अंदर क्या होता है, विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी भी फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ किए बिना हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, वो ही जो उन मेथड्स के द्वारा, उन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं नेचुरल मेथड। तो 3 प्रकार के हमारे हैं बेटा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड हमारा क्या है विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, लास्ट हमारा क्या है लैक्टेशन एमनोरोया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, इस दौरान क्या जो कपल होते हैं, कपल क्या करते हैं बेटा, इनको ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड 10वें दिन से 17वें दिन तक, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें दिन है, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक क्या है अवॉइड करना चाहिए कोइटस को। ठीक है, ये ओवुलेशन का एक पीरियड माना जाता है, इस दौरान ओवुलेशन होती है और इसके दौरान क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इस दौरान क्या है कपल्स को क्या करना चाहिए, कोइटस को रोकना चाहिए, कोइटस नहीं करना चाहिए, इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए इस दौरान। ठीक है, तो ये क्या है, इस दौरान ओवुलेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन चांस बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये कोई सेफ मेथड नहीं है, ठीक है, कोई भी सेफ मेथड नहीं है। तो ओवुलेशन लेट भी हो सकती है, थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, जिसके चलते क्या होता है फर्टिलाइजेशन के चांस बने रहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस है, इस दौरान क्या होता है ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान ठीक है क्या होता है जो मेल क्या और पार्टनर होता है वो तो पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वजीना, ताकि जो इजेकुलेशन है स्पर्म्स का वो वजीना के अंदर ना हो सके। इस मेथड को भी हम सेफ नहीं मानते हैं क्योंकि एट द डेट टाइम देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर, दैट्स व्हाई बिफोर विड्रॉवल ऑफ द पेनिस सम लिक्विड इजेकुलेट इन साइड द वजीना विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दैट लिक्विड, सो देर इज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर। तो फर्टिलाइजेशन चांसेस बेटा वहाँ पर फिर भी बने रहते हैं क्योंकि
जो स्टार्टिंग का जो प्री एजिकुलेट होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, काफ़ी सारे स्टॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि क्या है फर्टिलाइजेशन को के काम को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, वो आगे चलकर ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये मेथड हमारा सेफ मेथड नहीं माना जाता इतना ज़्यादा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या, लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब है बेटा जो ब्रेस्ट फीडिंग के मदर्स होती हैं उनके अंदर स्टार्टिंग जो 6 महीने होता है आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन 6 महीने के बाद तक क्या होता है जो ओवुलेशन होती नहीं है, ठीक है। ओवुलेशन जिसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड भी कहते कहते हैं, पोस्ट पार्टम पीरियड कहते हैं। इस दौरान क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, ओवुलेशन हमारी स्टार्ट नहीं होती है। हैवी ब्रेस्ट फीडिंग के कारण क्या होता है वहाँ पर ओवुलेशन नहीं होती है, जिसके चलते वहाँ पर क्या होते हैं जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट कौन से होते हैं इफेक्टिव, तो वैसे 6 महीने तक इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद ये इफेक्टिवनेस इसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मगर कई बार देखा गया है कि लैक्टेशन एमिनोरिया का मेथड है ये भी हमारे इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इस दौरान भी क्या प्रेगनेंसी समेत हमें हमने क्या है देखी गई है, तो ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं मान सकते। हालांकि जो पहले जो 2 मेथड थे इनसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर 100% इफेक्टिव ये मेथड ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है जो स्पर्म्स होता है, जो ओवम होता है, इनके बीच में बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है जिसके चलते इनका मिलन नहीं हो पाता है, इनके मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें कौन कौन से मेथड है, पहला हमारे क्या विद द हेल्प ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम को यूज़ करके हम कर सकते हैं, जो कि क्या है रबर और लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स रबर का बना होता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। मेल क्या करते हैं बिफोर कोइटस ये पेनिस को, क्या पेनिस को कवर कर लेते हैं ताकि जो इजेकुलेट है वो डायरेक्टली क्या है वजाइना के अंदर रिलीज ना हो। और फीमेल्स के लिए भी क्या कॉन्डम आता है, तो बिफोर कोइटस फीमेल क्या करती हैं उस कॉन्डम को इंसर्ट करते हैं इनसाइड द वजीना, ताकि एक बैरियर क्रिएट किया जा सके किसके अंदर स्पर्म और ओवम के बीच में, ठीक है। एक तरीका हमारा ये है। मगर इस कॉन्डोम को भी हम क्या करते हैं 100% सेफ मेथड नहीं मानते हैं, इसका फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा होता है। मगर इसका एक पॉइंट ये है कि बेटा ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं इनको रोकने का काम करता है, जैसे कि एड्स है, सिफिलिस है, ये गनोरिया है, तो इन बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा काम करता है कॉन्डोम, ठीक है। तो इसके कारण क्या है ये काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या फीमेल्स के लिए था, हमारा कौन सा डायफ्राम है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स और क्या वॉल्स, ठीक है। ये एक तरह का बैरियर मेथड, ये बैरियर्स होते हैं जो कि फीमेल्स के द्वारा क्या करता है वेजेना के थ्रू क्या है यूट्रस के अंदर सर्विक्स के ऊपर क्या है उसको क्या है रखा जाता है, सर्विक्स को कवर किया जाता है, जिसके चलते क्या है स्पर्म की एंट्री क्या नहीं हो पाती इन साइड द यूट्रस, ठीक है। वेजेना में क्या इजेक्ट होने के बाद क्या है यूट्रस के अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं जो ये डायफ्राम होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, ये जो सर्वाइकल कैप्स होती हैं, दे आर रीयूजेबल, क्या होते हैं दे आर रीयूजेबल, कहते हैं इनको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पर्मिसिटल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जेलीज को भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जो स्पर्म को किल करने का काम करते हैं, स्पर्म को आगे पहुँचने से रोकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज यानी कि आईयूडीज की बात करते हैं। दीज आर द फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके हम द्वारा क्या, ये हमारे से पहले हमारा क्या था जो डायफ्राम था ये भी हमारे क्या फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव था, मगर यहाँ पर क्या है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज के अंदर क्या होता है हम यूट्रस के अंदर क्या करते हैं फिजिकल डिवाइसेज को इम्प्लांट करते हैं, जिसके चलते वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है यूट्रस का जो इन्वायरमेंट होता है वो होस्टाइल हो जाता है, स्पर्म्स के लिए फेवरेबल नहीं होता है। और फाइनली क्या है स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है और मोटिलिटी के कम हो जाती है, और साथ ही साथ क्या है वो स्पर्म को किल करने का काम भी करते हैं, ठीक है, स्पर्मिसाइड का काम भी करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं हमारे, पहला हमारा क्या होता है पहला हमारा क्या है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर क्या है फॉर एग्जाम्पल लिपिस लूप है जो फर्स्ट जनरेशन क्या है ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस माने जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉली इथाइलिन के बने होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी क्या है ज़्यादा उसमें यूज किया नहीं जाता है। तो फेगोसाइटोसिस स्पर्म, ये क्या है फेगोसाइटोसिस स्पर्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब है लिपिस लूप के अंदर क्या होता है बेटा यहाँ पर ये क्या करती हैं जो स्पर्म की जो फेगोसाइटोसिस यानी कि यूट्रस के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसको चेंज कर देती हैं,
फेगोसाइट्स, वहाँ पर फेगोसाइट्स का जो लेवल तो बढ़ जाता है, WBCs का लेवल बढ़ जाता है, जिसके चलते जो फेगोसाइटोसिस क्या है स्पर्म्स की वो बढ़ जाती है, स्पर्म को ख़त्म वो कर देते हैं ताकि स्पर्म आगे क्या है फर्दर मूव ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है। इसके अंदर हमारे इसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 या मल्टी लोड 380 है। ठीक है, ये क्या करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, क्या करते हैं ये कॉपर को रिलीज करती हैं, और कॉपर क्या करती हैं, कॉपर जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, इसको बिल्कुल क्या करते हैं सुप्रेस करती है, रोक देती हैं, जिसके चलते स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और फाइनली ये स्पर्म और ओवम को रोकने का, आपस में मिलन को, उसको मिलन को क्या है रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा कॉपर क्या, इट इज ए स्पर्मिसिडल टू द स्पर्म, एक तरह का स्पर्मिसिडल का भी काम करता है, स्पर्म को किल करने का काम भी करता है। कौन था, कॉपर आयंस। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है इनसाइड द यूट्रस, जिसके चलते स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। याद रखना कॉपर का काम क्या होता है, यहाँ कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये स्पर्मिसिडल, इसका एक्शन भी होता है कॉपर का, इन द कॉपर टी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, राइट साइड में आपके पास क्या है कि पिक्चर है, जो कि कॉपर टी की एक पिक्चर है, ये देख पा रहे हो। इसके ऊपर क्या है, कॉपर वायर को रैप किया हुआ है, और ये कॉपर वायर क्या करती है, धीरे धीरे क्या है यूट्रस के अंदर क्या है कॉपर आयन कॉपर को रिलीज करती है, और इतने मात्रा में रिलीज करती है कि जो जो लेवल होता है कॉपर का ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड है, इसके अंदर हमारे क्या हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज होती हैं। ऐसी आयोडीज जो क्या हार्मोन को रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल है प्रोजेस्टा सेट और हमारा LNG-20, प्रोजेस्टा सेट एंड LNG। प्रोजेस्टा सेट में क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टोन की मात्रा होती है, प्रोजेस्टोन रिलीज की, ये जो आयोडीज होती हैं प्रोजेस्टोन को रिलीज करती हैं। और LNG के अंदर क्या होता है, लिवन जेस्टल होता है, जो क्या करती हैं लिवन जेस्टल को रिलीज करती हैं 20 माइक्रोग्राम के पर डे के हिसाब से क्या ये रिलीज करती हैं इन साइड द बॉडी। ठीक है, लिवन जेस्टल LNG इधर क्या होता है, लिवन जेस्टल होता है, और 20 का मतलब है कितनी मात्रा में क्या वो क्या करती है लिवन जेस्टल को बॉडी के अंदर रिलीज करती है। पहले वाला हमारा क्या था, प्रोजेस्टा सेट होता है, जो कि प्रोजेस्टोन को रिलीज करता है। ठीक है, बेसिकली करती क्या है बेटा, ये जो हॉर्मोन रिलीज आयोडीज होती हैं, ये गोनेडोट्रोपिन जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि FSH होते हैं, जो LH होते हैं, इनको ये इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने के कारण क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है फॉलिकल्स की, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट रुक जाती है, और ये फाइनली क्या करते हैं ओवुलेशन को क्या करते हैं इनिबिट करते हैं, क्या कहते हैं ओवुलेशन को इनिबिट करते हैं, जिसके चलते फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और जो इम्प्लांटेशन होता है किसका, इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो का वो हो नहीं पाता है इनसाइड द यूट्रस। क्लियर है बेटा, FSH और LH को क्या करती है इनिबिट करती है, कौन, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, जिसके चलते क्या होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, फाइनली ओवुलेशन भी कहते हैं इनहिबिट करने का काम करते हैं। क्लियर है, और ये जो आयोडीज होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं, दीज आर द आइडियल फॉर द फीमेल्स टू डिले द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और दो चिल्ड्रंस के बीच में गैप देने के लिए काफी ज्यादा आइडियल होती हैं आयोडीज। क्लियर है बेटा, थर्ड हमारा मेथड कौन सा है, यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, हम थ्रू ओरली माउथ के द्वारा वुमेन्स को, जो लेडीज होती हैं उनको क्या है गोलियां दी जाती हैं, वो गोलियां माउथ के द्वारा खाती हैं। दो प्रकार की गोली होती है, एक होती है प्रोजेस्टिन ओनली पिल होती है, एक हमारी कंबाइंड पिल होती है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्टोन होता है अकेला, एक जो प्रोजेस्टोन का एक अल्टरनेटिव होता है प्रोजेस्टिन वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कंबाइंड पिल के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हॉर्मोन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, दो प्रकार की और हमारे क्या होगी पिल्स होगी, कौन सी होगी, प्रोजेस्टोन वाले ओनली पिल होगी, इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होगा प्रोजेस्टोन प्रेजेंट होगा। दूसरा हमारे क्या कंबाइंड पिल, कंबाइंड पिल में क्या होगा प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन हमारे क्या कंबाइंड पिल का काम करता है, ये प्रोजेस्टोन ओनली पिल होती है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है सेम कैसा होता है बेटा, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज के जैसा होता है। ये भी क्या करती है ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन को रोकती है। और इसके अलावा क्या होता है बेटा, जो सर्विकल म्यूकस है इसकी क्वालिटी को एल्टर करती हैं, जिसके चलते स्पर्म की एंट्री हो जो होती है किसके अंदर है यूट्रस के अंदर वो नहीं हो पाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पर कौन सा है बेटा, यहाँ पर एक सहेली है हमारा, एक एग्जांपल है जिसे हम क्या कहते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है, जिसका दूसरा नाम क्या है सेंट क्रोमैन, इसका दूसरा नाम क्या है सेंट क्रोमैन है। इसका जो एक्टिव जो केमिकल सब्सटेंस होता है सहेली के अंदर वो सेंट क्रोमैनी होता है, क्या होता है सेंट क्रोमैनी होता है,
जिसके चलते से क्या कहते हैं, सेंट क्रोमैन के नाम से जानते, कहते हैं सेंट क्रोमैन के नाम से जानते हैं। और ये जो सहेली जो पिल बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी। वर्ल्ड की पहली नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है बेटा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वुमेन को लेनी होती है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में क्या होता है, इसको अल्टरनेटिव ले, जैसे एक दिन लेने के बाद तीसरे दिन लेनी होती है। पहले मंथ में क्या, वीकली क्या, वीकली दो गोली लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन संडे को लिया, दूसरे दिन हमारे क्या होगा, वेडनेसडे को लिया, तो लगातार एक महीने लेनी होती है। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही कैस को स्टार्ट किया जाता है, क्लियर है। और एक महीने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हर महीने हर वीक एक ही गोली हमें क्या है लेनी होती है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट बेटा नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देख पा रहे हो आपके सामने फिगर है, कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या है, क्या सहेली का दिखा रखा है यहाँ पर, सर आपको नाम भी आ रहा, सेंट क्रोमैन टेबलेट्स लिखी हुई यहाँ पर, तो सेंट क्रोमैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है ट्वाइस ए वीक, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, पहले दिन से क्या है लेनी होती है, ट्वाइस है वीक लेनी होती है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट और आपके हमारे पास क्या है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स होते हैं। इंजेक्शन इम्प्लांट्स के द्वारा भी, तो इसमें होता है क्या बेटा, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के द्वारा बॉडी के अंदर क्या है, हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाता है काफी कम मात्रा में, ठीक है। प्रोजेस्टोन, अकेले प्रोजेस्टोन को भी क्या है, इंजेक्शन को डाला जाता है बॉडी के अंदर, या फिर इम्प्लांट्स के द्वारा अकेले प्रोजेस्टोन को डाला जाता है। इसके अलावा कंबाइंड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन, दोनों को ही क्या है बॉडी के अंदर डाला जाता है, हल्की हल्की मात्रा में रिलीज होते रहते हैं, जिसके चलते ये ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं, और फाइनली क्या होता है वहां पर, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इम्प्लांट में क्या होता है, इम्प्लांट में होता है क्या, हमारा जो स्किन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स वाला हमारा एरिया होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, एक इम्प्लांट को एक छोटी सी निडल होती है, उस निडल को डाल दिया जाता है स्किन के अंदर, सब क्यूटेनियस होती है स्किन, स्किन के अंदर डाल दिया जाता है, और वो जो निडल होती है उसके अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और ये लगातार कहते हैं डेली क्या करती है, हल्की हल्की मात्रा में ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को क्या है बॉडी के अंदर रिलीज करती चली जाती हैं, और जिसके चलते वहाँ पर क्या है ओवुलेशन नहीं हो पाती है, वहाँ पर क्या होती है ओवुलेशन नहीं हो पाती है, ओवुलेशन नहीं होगी तो फाइनली क्या बेटा वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, वहां पर जो मिलन होगा स्पर्म का और ओवम का वो नहीं हो पाएगा, फाइनली प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी रोकने में काफी अच्छा एक अल्टरनेटिव हमारा ये है, काफी अच्छा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इम्प्लांट, इसके अंदर क्या है, इसके जो इफेक्ट 5 साल के लिए काफी इफेक्टिव होता था, ठीक है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट 5 साल के लिए क्या है, बड़ा ही अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है बिना कोई साइड इफेक्ट के। कहीं कहीं देखा गया है कि इम्प्लांट्स यार 7 साल तक भी काम करते हैं, 7 साल तक भी काम करते हैं, मगर फिर भी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी कुछ पिल्स होते हैं, जैसे कि आई पिल है, ठीक है, आफ्टर 72 है, ठीक है, तो इस प्रकार की पिल्स बनाई जाती हैं, होती हैं, इसको क्या है कोइटस के बाद 3 दिन तक इसको हम ले सकते हैं, विद इन 3 डेज अगर इसको लेते हैं तो बेटा ये इफेक्टिव होते हैं, और उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन होता है वो हो चुका होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हमारा हो चुका होता है स्टार्टिंग के 3 दिन के अंदर, फर्टिलाइजेशन हमारी हो चुकी होती है, ठीक है, वो इम्प्लांटेशन की जगह पर पहुंच जाता है और ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो उस दौरान क्या है इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, विद इन 3 डेज हम क्या करते हैं टेबलेट को लिया जाता है, आईपिल नाम हो गया, हमने सुना होगा आईपिल के नाम में, आफ्टर 72 के नाम से सुना होगा आपने, ठीक है, बेहतर क्या है इनका मतलब क्या होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या ये टेबलेट लेनी होती है, ताकि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम क्या है रोक सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रोक सकें, ठीक है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है उस दौरान इन टेबलेट्स को हम ले सकते हैं आईपिल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में क्या, जैसे कि बताया दिस मेथड आर यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, 72 घंटे के अंदर हमें क्या इन मेथड को यूज करना चाहिए, इन टेबलेट्स को यूज करना चाहिए। इनके अंदर क्या होता है प्रोजेस्टोन होता है, या फिर क्या होगा आपको प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, जो हाई डोजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्लियर है बेटा, ठीक है।
तो एक टॉपिक को दोहरा दोहरा दोहराए थे बेटा। जो आपका जो प्रॉपर्टी की बात बात करी थी हमने, इंट्रायूटराइन डिवाइस के बारे में बात करी थी, कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस थी, उसमें कौन कौन सी, कॉपर टी थी, कॉपर सेवन थी, ठीक है, आपका मल्टी लोड 375 था, मल्टी लोड 380 था, मल्टी लोड 375, कॉपर टी और कॉपर जो आपका सेवन जो थी आपकी, इनसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल होती है और इसका जो जो निकलने का चांस होते हैं यूट्रस से बाहर वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है मेरे बेटा, पांचवा मेथड हमारे पास क्या, सर्जिकल मेथड। कौन सा सर्जिकल मेथड है? सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जरी के द्वारा क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं जो ओवम को कैरी करती हैं, एग को या स्पर्म्स को जो कैरी करती हैं, उनको काट दिया जाता है, जिसके चलते क्या है, स्पर्म्स का और ओवम का इजेक्शन नहीं हो पाता है यूट्रस और किसके अंदर, थ्रू द पेनिस में वो हो नहीं पाता है। ठीक है, इन मेथड कहते हैं हम सर्जिकल मेथड कहते हैं। परमानेंट मेथड होता है, टेम्परेरी मेथड नहीं होता। पहले वाले जितने मेथड हमने पढ़े थे वो सारे सारे टेम्परेरी मेथड हैं, और ये सर्जिकल जो मेथड हमारा कैसे होता है, क्या परमानेंट मेथड होता है। स्टेरलाइज को हम कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसके चलते जो पाथवे होता है गैमेट के ट्रांसपोर्ट का, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड, थ्रेड की मदद से उसको क्या करते हैं, हम उसको बंद कर देते हैं, काट के बंद करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फिगर आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर क्या, ये जो वासा डिफरेंसिया है, वासा डिफरेंसिया को बेटा यहाँ से काट के हम क्या कर, उसको टाई अप कर देते हैं, यहाँ से हमने क्या काट दिया, काट के क्या उनको हमने बंद कर दिया, उनको क्या करते हैं हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हमारा स्पर्म्स हमारे बनेंगे, वो स्पर्म क्या हमारे आगे कैरी नहीं कर पाएंगे थ्रू द पेनिस इन टू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, होता क्या, स्पर्म्स तो लगातार बनते रहते हैं, होता क्या है, लगातार बनते रहते हैं, मगर क्या, जब ये इनका रिलीज नहीं हो पाता, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो जो एक्सेस ऑफ स्पर्म्स होते हैं बेटा, ये क्या है, अंदर के एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्या है, टेस्टिस के अंदर के एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा, हम कहते हैं वास्कोटोमी, कहते हैं वास्कोटोमी, कहते हैं क्या, कहते हैं वास्कोटोमी, कहते हैं। फीमेल के केस में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, कहते हैं फीमेल के केस में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर कट लगा दिया जाता है, कट लगाकर क्या करते हैं वहाँ पर उसको तो धागे की मदद से बांध दिया जाता है, और आखिरी में बेटा ये डक्ट्स क्या होती हैं, ये फ्यूज हो जाती है, क्या कहते हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और एग का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस के अंदर होना बंद हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल के किस्म कहता है वास्कोटोमी कहलाता है, और फीमेल के किस्म के ट्यूबेक्टोमी कहलाते, इसको कहते हैं। मगर एट प्रेजेंट रिसर्च के अंदर क्या देखा गया है बेटा, इसको इस मेथड को भी हम क्या रिवर्स कर सकते हैं, मगर जो रिवर्स करने के बाद सक्सेस का रेट होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, दोबारा इसको रिवर्स कर सकते हैं, मगर इसके अंदर क्या होते हैं, जो सक्सेस के जो रेट होते हैं फर्टिलाइजेशन के, काफ़ी कम होते हैं, बाई चांस क्या वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये जो सर्जिकल मेथड हमारे क्या थोड़ा होगा, परमानेंट मेथड।